चंद मिनट आपको और परेशान कर लूं, उसके बाद असल गुफ्तगू पे आऊं। मोबाइल से बेखबर हो जाओ, व्हाट्सएप ना चेक करना, उंगली ना चलाना, स्विच ऑफ कर लो। अगर मोबाइल रखने वाले आप जर्मनी मोबाइल रखते हैं तो इतना सेंस भी रखना चाहिए कि कहां पर साइलेंट होना चाहिए। वाइब्रेट भी करने से कोई फायदा नहीं है। मसाइब हो रहे हैं, आप मौला के मसाइब सुन के गिरिया फरमा रहे हैं, तवज्जो है ना। अब वाइब्रेट हो रहा है, अब आप जाकिर के जुमलों पर गौर करेंगे, जनाबे जहरा को फुर्सत देंगे, या आपका दिलो दिमाग उस जेब की तरफ जाएगा जहां आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है। आज पहली मुहर्रम से इमाम के सय्यूम तक अगर वाइब्रेट होने का हक है तो सिर्फ हमारे कल्ब को है। मोबाइल वाइब्रेट ना होना चाहिए मजलिसों में, हमारे दिल थर्राना चाहिए। वाइब्रेट का मतलब क्या है? मोबाइल थर्रा के बताता है किसी की कार आ रही है, हमारा दिल ये सोच के थर्राना चाहिए कि कोई हमें देखे या ना देखे मगर हुसैन की माँ सैयदा देख रही है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फुरूए दीन की फेरिस्त में फकत नमाज वाजिब नहीं है, बुराई से रोकना भी वाजिब है। ये जो मोबाइल की गुजारिश की, ये दो इबादतें हमने एक साथ कर ली, नेकी की हिदायत की कि सफे मातम पे मोबाइल यूज ना करना, बुराई से रोका क्योंकि कहां जिक्रे हले बाए, कहां छोटा सा मोबाइल, जहां भी मजलिस में जाइए स्विच ऑफ कीजिए। बस मैं रोज गुजारिश नहीं कर पाऊंगी, जहां भी मजलिस में जाइए मोबाइल का रिश्ता अल्लाह खाने की दहलीज से तोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आप मिलनी शहजादी आपको जजा नहीं।